नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टू द पॉइंट स्टडी पर। दोस्तों अभी अभी दोस्तों हिंदुस्तान की ओर से एक बड़ी खबर आई है अभी कि जो है सी एच एस एल टीयर वन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 मार्च से, उसमें कितने अभ्यर्थी जो है 41 लाख अभ्यर्थी जो हैं एडमिट कार्ड परीक्षा टेस्ट जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें दोस्तों 41 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं और आपको बिल्कुल भी ये नहीं बिलीव मत करना कि परीक्षा रद्द हो गई, परीक्षा अपने टाइम से हो रही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग SSC की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2019 टीयर वन परीक्षा 17 से 28 मार्च के बीच होगी। देश भर में तकरीबन 41 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं दोस्तों, तो देख लीजिए कितना बड़ा कंपटीशन है। उसके बाद लिखा है मध्य क्षेत्र के अंतर्गत 11,06,041 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों का स्टेटस SSC सेंट्रल रीजन की वेबसाइट www.ssccr.org. पर उपलब्ध है, जिस पर अभ्यर्थी अपने परीक्षा तिथि, शहर और केंद्र की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी बहुत ही सावधान रहना है, बहुत ही अपने टाइम से सेंटर पे पहुंच जाना है। और इसमें सब बताया गया है कि मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि प्रवेश परीक्षा पत्र परीक्षा से 4 दिन पहले अपना डाउनलोड कर लें, 4 दिन पहले ही डाउनलोड हो जाएगा, अपना आराम से निकाल के डाउनलोड कर लें। उसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, तो सभी को पता होगा। और 3 शिफ्टों में दोस्तों ये परीक्षा कंडक्ट होगी। पहली शिफ्ट कब से होगी? 10 से 11 बजे, दूसरी शिफ्ट 1 से 2 बजे और 4 से 5 बजे तीसरी शिफ्ट होगी। और अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा शुरू होने के 90 मिनट पहले केंद्र पर पहुँच जाना है। दोस्तों CGL में बहुत लोगों के साथ ये हुआ है कि उनको परीक्षा में घुसने नहीं दिया गया, तो आप लोगों को बहुत जल्दी आराम से जाना है। और परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे, ये दोस्तों ध्यान रखना है, 30 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर किसी भी अभ्यर्थी को जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को साथ में क्या ले जाना है? एक प्रवेश पत्र ले जाना है, एक फ़ोटो पहचान पत्र के साथ फ़ोटो होनी चाहिए, और पहचान पत्र ऐसा कोई ID ले जाना जिस पर नाम हो, फ़ोटो हो, पिता का नाम हो आदि के साथ जन्म तिथि अंकित होनी अनिवार्य है। ऐसा एक डॉक्यूमेंट ले जाना है जिस पे आपकी वो डेट ऑफ बर्थ हो जो आपके एडमिट कार्ड पे हो, वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसके अलावा अगर मतलब कोई भी कमी फॉल्ट मिलता है डेट ऑफ बर्थ में, एडमिट कार्ड के डेट ऑफ बर्थ और आपके ID के डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई अंतर है तो आपको परीक्षा देने नहीं दी जाएगी। लिखा हुआ सीधा पर निम्न तिथि प्रवेश पर अंकित जन्म तिथि से मेल खानी चाहिए। यदि पहचान पत्र पर जन्म तिथि अंकित है नहीं है या प्रवेश पत्र से भिन्न है तो अतिरिक्त पहचान पत्र दिखाना होगा जिस पर अंकित जन्म तिथि प्रवेश पत्र में मेल खाती है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्रवेश पत्र पर नीचे दिए गए हैं, आप इंस्ट्रक्शन जो है आराम से पढ़ लीजिए पूरा, उसके बाद आराम से जाइएगा। जल्दबाजी में नहीं, आराम से पूरे साल भर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और पता चले कि वहाँ आपको एंट्री ही ना मिले, आपका साल बर्बाद हो जाए। तो ये कुछ ज़रूरी सूचना थी आपको मैंने बता दी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।